अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 13, जिसका नेम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। एक्सरसाइज 13.1 पे देखें, पहला क्वेश्चन है डिवाइड एन आर्क इनटू, दो पार्ट्स में आगे डिवाइड कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स और फोर इक्वल पार्ट्स। मैं आप लोगों को फोर इक्वल पार्ट्स करवाऊंगी, उसके अंदर ही आपका ये टू इक्वल पार्ट्स वाला कवर हो जाएगा। तो करते हैं 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, उन्होंने कहा हुआ है एनी लेंथ, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। आपके अपनी मर्जी की एक कंपस ओपन कर लेनी है और उसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स को नाम दे देंगे हम लोग ए और इस वाले एंड पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी। अब क्या करेंगे कि जो आपकी आर्क है इस पे अपनी मर्जी का एक पॉइंट हम लेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे बी। अब क्या करेंगे, यूजिंग रूलर हम इस पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे ए को बी के साथ और सी के साथ भी। ये मैंने कर दिया बी के साथ ज्वाइन, अब मैं करूँगी बी को सी के साथ भी ज्वाइन। अब देखें तो हमारे पास दो लेंथ्स आ रही हैं, एक आ रही है ए बी और एक आ रही है बी सी। हम क्या करेंगे, पहले ए बी के बायसेक्टर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स और फिर बी सी के परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बायसेक्टर क्या ड्रॉ कर कैसे ड्रॉ करते हैं कि हमारी जो लेंथ है बी सी, इसमें हाफ से ज़्यादा कंपस ओपन करते हैं, एनी लेंथ हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। वो कंपस ओपन करके पहले एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं, ये हो गया सी का। अब इसी तरह क्या करेंगे, बी पे रखेंगे और बी पे भी रख के एक आर्क लगाएंगे और ऊपर भी एक आर्क लगाएंगे और नीचे भी एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क आपस में ज्वाइन होंगे। इन आर्क को एक को नाम दे दें पी और एक को नाम दे दें क्यू। अब क्या करें, इनको हम लोग ज्वाइन कर देंगे आपस में पी और क्यू को यूजिंग स्केल। इनको मैंने रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये हमारे सर्कल के अभी पार्ट्स नहीं है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर बायसेक्टर है। अब ये आ गया पी क्यू, परपेंडिकुलर बायसेक्टर है बी सी का। इसी तरह हम क्या करेंगे, ए बी का भी परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए भी क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा मैंने कंपस ओपन की, एक आर्क मैंने ऊपर लगाई, एक आर्क मैंने नीचे लगाई ए पे रख के। इसी तरह क्या करेंगे, बी पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे। अब ये जिस पॉइंट्स पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, उन्हें हम कह देंगे एल और एम। इनको मैं फिर से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूंगी। अब जो हमने ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं, ये आपस में आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे ओ सेंटर। ये जो हमने आर्क ड्रॉ की थी ए सी की, ये उसका सेंटर है ओ। अगर मैं इस सेंटर को ए और सी के साथ ज्वाइन कर दूं इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या बनता है, सेंट्रल एंगल ए ओ सी। ठीक है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, वो एंगल जो सर्कल के सेंटर के साथ बन रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल ए ओ सी। अब हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे, इस जो अब हमारा जो ये बना है आर्क, इसके फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ए और सी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंपस ओपन करेंगे इतनी कि जो ए और सी की लेंथ है उससे वो हाफ से ज़्यादा ओपन हो। एक आर्क ऊपर लगाएंगे ए सी पे रख के और एक ए पे रख के लगाएंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर बायसेक्टर तो नहीं, लेकिन हम लोग बायसेक्टर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर देंगे ओ, सेंट्रल एंगल के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को कह दें ई। अब देखा जाए तो हमारे पास जो ए और सी आर्क थी वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ए ई और ई सी। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है वो यहीं तक है कि आपने इस आर्क को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि अब यहाँ तक कवर हो जाता है। टू इक्वल पार्ट्स हैं ए ई और ई सी।
अब क्या करेंगे, हमारा जो पार्ट है टू, उसके अंदर हमने फोर इक्वल पार्ट्स में करना है। हम क्या करेंगे, ए और जो ई है इसको मजीद हाफ में डिवाइड करेंगे और ई और सी को भी हाफ में डिवाइड करेंगे। इस तरह वो फोर इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अब वो कैसे क्या करेंगे कि ये ए और ई, हम अपनी हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, ए पे रख के एक आर्क लगाएं, इसी तरह हम क्या करेंगे ई पे रख के भी एक आर्क लगाएंगे। अब इस आर्क को मैं सॉलिड लाइन के साथ ओ के साथ मिला दूंगी। इस तरह हमारे पास इसे पॉइंट दे दे डी। इस तरह देखें ए ई अब दो इक्वल पार्ट्स में हो गया है। इसी तरह अब क्या करेंगे, ई और जो सी है इसको भी हम लोग हाफ करेंगे। कैसे, सी पे रख के एक आर्क लगाएं, उसी तरह हम लोग ई पे रख के भी एक आर्क लगाएंगे। इसको भी आपस में ज्वाइन कर दें विथ सेंट्रल एंगल ओ। इसको पॉइंट दे दें एफ। अब देखें जरा, हमने ए ई को भी हाफ कर दिया और ई सी को भी हाफ कर दिया। अब देखें ए डी डी ई ई एफ और एफ सी, हमारे पास ये फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है।